हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि VGM कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी पड़ती है और कौन कौन सी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी। वो सारा चीज़ आपको इस डेस्कटॉप पे मैं बताऊंगा कैसे हम लोग पूरा जो डिटेल है फिल करेंगे और उसको कैसे हम लोग फाइनल करेंगे, तो वो सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है तो जल्दी से आप डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल करके फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आप सीख सकते हैं, चाहे आपने कोई भी क्वालिफिकेशन की हो आप उसके बावजूद भी आप ये चीज सीख सकते हैं और अच्छा करियर आप बना सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको सारी चीज आपको व्हाट्सअप पे बता दी जाएगी, बहुत ही नॉर्मल सा चार्जेस है। चलिए मैं आपको डेस्कटॉप पर चल के मैं आपको बता दूँ कि VGM कैसे बनाना है और उसको हम लोग कैसे फिल करना है। तो देखिए, हम लोगों ने VGM बनाने के लिए हमने जो फाइल है वो ओपन कर ली है। इसमें जो ये डिटेल है हमें पार्टिकुलर्स वाला, ये हमें फुलफिल करना है। ठीक है, अब ये डिटेल कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे आपको इसको फिल करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये एक वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में आपको क्या करना है, ये फिल डिटेल करके आपको जो एक्सपोर्टर है ठीक है उसको आपको उसके लेटर हेड पे आपको प्रिंट करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिल कैसे करना है, क्या क्या डिटेल इसके अंदर फिल करनी है और इसके बाद हम लोग इसको कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है सीरियल नंबर 1 में, यहाँ पे है नेम ऑफ द शिपर, यहाँ पे नेम जो एक्सपोर्टर है ठीक है, तो यहाँ पे उस एक्सपोर्टर का नाम डालना है जो कि कार्गो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्टर का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे शिपर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस नंबर, IC नंबर या CIN नंबर, तो यहाँ पे आपको IC नंबर भी डाल सकते हैं और CIN नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग मतलब 99% लोग IC नंबर ही डालते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे IC नंबर डालेंगे। तो IC नंबर क्या होता है कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका जो लाइसेंस नंबर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आजकल जो लाइसेंस नंबर है वो क्या है कि कंपनी का पैन कार्ड जो नंबर है सेम वही IC नंबर भी होता है। ठीक है, तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं इसको। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल ऑफ द शिपर, जो इस VGM को बना रहा है, जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में है, आप उसका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, नाम। ठीक है, इसके बाद उसका फोन नंबर जो इसको VGM को बना रहा है वो, ठीक है, इसके बाद ये कंटेनर नंबर। अब देखिए कंटेनर नंबर मैं आपको बताता हूँ, पहले कंटेनर की आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, आपको कंटेनर नंबर कैसे लेना है, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि एक डिजिट लास्ट में भी लिखा होता है, तो कंप्लीटली आपको कौन सा कंटेनर नंबर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये BWLU, ये आपका लाइनर कोड होता है, ठीक है, और 2103821, ठीक है, ये B से लेके पूरा जो लास्ट वन है दिख रहा है आपको जो ब्रैकेट में, ये पूरा आप मिला के कंटेनर नंबर होगा। ठीक है, इसमें भी आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको काम आएंगी ये, जैसे ये पूरा कंटेनर नंबर है BWLU 2103821, ठीक है, ये टोटल आपका कंटेनर नंबर है, आप यहाँ तक नहीं लेंगे, पूरा यहाँ तक कंटेनर नंबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 22G1 मतलब आपका जो ये जनरल पर्पस कंटेनर है तो जी इसलिए है, और 22 मतलब 20 फिट का कंटेनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं वो मैं आपको बताया, तो मैक्सिमम ग्रॉस वेट, ये देखिए आप दो दो बार जो ये लिखा हुआ है तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, हमें KGS वाला लेना है। ठीक है, इसमें क्या है दो तरीके से वेट दिया होता है, KGS में और LBS में, तो हमें क्या है कि KGS वाला लेना है, KGS वाला जो लिखा हुआ ना ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर नंबर है, यहाँ पे हम लोग को कंटेनर नंबर डालना है जो इसका कंटेनर नंबर है BWLU, इस तरीके से 2103821, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कंटेनर नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 20 फिट साइज है इसका, अब 22 पे मत जाइएगा, मतलब कंटेनर दो ही साइज के होंगे, 20 फिट या 40 फिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे 20 GP जनरल पर्पस करके आप डाल सकते हैं, GP का मतलब जनरल पर्पस। ठीक है, अगर मान लीजिए इस अगर ये 40 कंटेनर होता तो 40 हाई क्यूब भी डाल सकते थे। ठीक है,
इसके अलावा फिर हम यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम परमिसिबल वेट ऑफ कंटेनर एज पर द सीएससी प्लेट। तो ये वेट आपको कहाँ से मिलेगा, हम लोग कंटेनर पिक्चर में जाएंगे, ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम ग्रॉस वेट जो है 30,480, मतलब इसके अंदर आप इससे ज़्यादा वेट नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मैं कंटेनर नंबर सही कर देता हूँ 20 GP और मैक्सिमम परमिसिबल वेट यहाँ पे 30,480। इस तरीके से आप यहाँ पे जो कंटेनर का मैक्सिमम ग्रॉस वेट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस ऑफ वेट ब्रिज, तो यहाँ पे आप जो भी कंटेनर जब हमारा स्टफ हो जाता है तो वहाँ पे हमारे ये जो धर्म कांटे आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इनका जो वेट होता है वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी, तो वो स्लिप में आपको वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो धर्म कांटा है उसका जो स्लिप नंबर मिला है वो, सॉरी वो वेट ब्रिज रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस धर्म कांटे का, ठीक है, और उसका एड्रेस, तो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस जो भी उसका एड्रेस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी आपको स्लिप में होगा, और उसका एड्रेस, ठीक है, नाम और एड्रेस इस तरीके से आप डाल सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड आप, मैं दूसरा कोई डालता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मान लीजिए ABCD जो भी है, ABCD लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप डाल सकते हैं, ठीक है, बॉम्बे, या फिर आप पूरा एड्रेस डालना चाहते हैं पूरा भी डाल सकते हैं वरना शॉर्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वेरीफाइड ग्रॉस वेट ऑफ कंटेनर, कार्गो ग्रॉस वेट, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको मेन जो इसका VGM का वेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। कैसे डालना है, जो आपके पास इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है, ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में दो वेट होंगे, नेट वेट और ग्रॉस वेट, ठीक है। तो आपको जो ग्रॉस वेट है विथ पैकिंग जो वेट होता है वो ग्रॉस वेट होता है, तो वो वेट है जो वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे 10,000 इसका ग्रॉस वेट है, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। और एम्प्टी कंटेनर वेट, इसे हम लोग बोलते हैं टेयर वेट, ठीक है, तो ये वाला वेट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं टेयर लिखा है ना, टेयर यहाँ पे इस तरीके से आपको देखेगा टेयर, ये 2100 लिखा हुआ है, ठीक है, टेयर वेट हो गया मतलब खाली कंटेनर का वेट, जो ये डब्बा आप देख रहे हैं सामने ये वाला, तो ये इसका जो खाली कंटेनर का वेट है उसका वेट कितना, 2100 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2100 इस तरीके से डाल देना है, और यहाँ पे आप इसको केजीएस करके आप रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे दो बार लिख दिया है, इसके बाद अब ये जो ग्रॉस वेट और प्लस जो एम्प्टी कंटेनर का वेट है, ठीक है, इसका वेट अब आपको यहाँ पे डालना है, जो प्लस करके आपका आएगा, ठीक है, आपका कितना हो गया ये 12,100, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से वेट यहाँ पे डाल देना है, ये इस तरीके से, ये आपका जो ये वाला वेट होगा ये आपका होगा VGM का वेट, ठीक है, जिसकी वजह से कंटेनर जो वेसल प्लानर होते हैं जो प्लान करते हैं कंटेनर को, वो इस वेट के ऊपर देखेंगे कि इस कंटेनर को कहाँ रखना है, कहाँ कैसे मतलब इसको शिफ्ट करना है, तो इस तरीके से इस वेट के ऊपर ये कंटेनर शिफ्ट किए जाते हैं, वेसल के ऊपर लोड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पे आपने जो वेट कराया था ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, इसमें आप डेट और टाइमिंग आपको दिख जाएगी, तो टाइमिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने जितनी तारीख को ये वेट वगैरह कराया वो आपको स्लिप में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वेट ब्रिज सॉरी वेटिंग स्लिप नंबर, तो यहाँ पे ये जो स्लिप नंबर है वो भी आपको इस वाली स्लिप में मिल जाएगा जो आपको धर्म कांटे से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद टाइप नॉर्मल, मतलब इसका कंटेनर का टाइप क्या है, नॉर्मल है, रीफर है, हजार्डस है, अदर्स मतलब और कोई कंटेनर है, तो ये हमारा नॉर्मल कंटेनर है तो हम यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल नहीं है, हमारा रीफर कंटेनर है, ठीक है, या फिर हजार्डस है तो हजार्डस लिखेंगे। अगर हजार्डस कंटेनर है तो आपको यहाँ पे UN नंबर, IMDG क्लास आपको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो UN नंबर होता है 4 डिजिट का होता है, तो 1263 ऑब्लिक या फिर कॉमा देके भी इसकी क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं UN नंबर या IMDG क्लास, तो इस तरीके से आप, या फिर स्लैश देके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर हजार डैश कंटेनर है मतलब आपका हैज कंटेनर है मतलब केमिकल का कंटेनर है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये हजार डस का UN नंबर और क्लास आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको NA डालना है और यहाँ पे आपको नॉर्मल लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमें नाम लिखना है यहाँ पे जो इस VGM को बना रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, ठीक है, कितनी डेट है 1/5/2024, और इसके बाद आपको इस वाले लेटर को पूरे को आपको जो
कंपनी का लेटर हेड है, एक्सपोर्टर का लेटर हेड है, उसके लेटर हेड पे आपको ये प्रिंट कर लेना। और इसके बाद आपको इसके ओडेक्स पे सबमिट करना है, या फिर मैनुअल है तो मैनुअल आप सबमिट कर सकते हैं लाइन में, जैसे भी मतलब जिस भी लाइन से आप कंटेनर कर रहे हैं तो उससे आप एक बार पूछ लेना कि ये जो वीजीएम है ऑनलाइन सबमिट करना है या मैनुअल लेते हैं, या फिर जैसे भी उनका प्रोसेस है उस तरीके से आपको इसको सबमिट कर देना है। ओडेक्स पे कैसे सबमिट करना है मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो ये वाला मैंने आपको जो पार्ट है कम्प्लीट कर दिया कैसे वीजीएम बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आया होगा किस तरीके से हमें वीजीएम बनाना है और सारी चीज़ें कैसे हमें फिल करनी है, और सारी चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली आपको बता दिया है। कुछ भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।